हिरोइन ने जो बात कही है वो हमारे गले निकल, क्योंकि उन्होंने कहा था, याद होगा, जब कांग्रेस हाई कमांड ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उदय भानजी का नाम रिकमेंड किया तो एकदम कहा कि दलित समाज से आता है और मेरे को क्यों नहीं बना, दलित समाज को क्यों, 22वीं सदी दलित समाज का हिस्सा है, तो कोई भी पार्टी दलित समाज को इग्नोर नहीं कर सकती, उसकी अनदेखी नहीं कर सकती। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने लंबा विरोध किया। एक महीने के बाद राज्यसभा का चुनाव आया, हम सब लोग जयपुर रायपुर में थे। मैंने बार बार कहा कि भैया तुम आ जाओ यहाँ, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से तो बड़ा कोई नेता नहीं है। आज स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के बाद अगर हरियाणा में कोई मास लीडर हुआ है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह, वो भी उस कैंप में आ गए। लेकिन कहते हैं ना, दाल में काला था, इसकी तो दाल सारी ये काली थी, बेईमाना था। और मैं तो मनोहर लाल जी को एक बात में बहुत अच्छा मानता हूं, जिस दिन इसने ज्वाइन की पांव छू करके कहा कि मनोहर लाल जी मैंने बहुत गालियां दी है बीजेपी को, अब मैं थूक के चाट रहा हूं, मेरे सारे गुनाह माफ कर दो और मुझे भाजपा में शामिल कर दो। मनोहर लाल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भैया ये तो हमारे से बहुत दिन से संपर्क में था, लेकिन हमने कहा कि जब तेरी आवश्यकता पड़ेगी तेरे को प्रयोग कर लेंगे, इससे माड़ा शब्द नहीं हो सकता। कोई जनप्रतिनिधि अपने स्वार्थ के लिए विरोधी पार्टी के प्रयोग में आए तो मैं उस इलाके के मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि आप लोगों के सम्मान को, आप लोगों के गौरव को इस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के यहां गिरवी रख दी। तुम्हें बताना चाहिए, बताना पड़ेगा, और मोहब्बतपुर के लोगों ने पूछना चाहिए और पूछना पड़ेगा। फिर अपना बचाव खतर गए तो हम बच्चे जो उस ठीक है कि नहीं। मेरा कहने का ये तात्पर्य है, क्यों ये बताए, अगर वो ये कहकर के छोड़ा है कि भाई मैं दलित समाज से नफरत करता हूं तो फिर मैं दलित समाज के भाइयों से नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि आपके परिवार में कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता है तो आप उसको ये कहो ना कि आप लोगों ने तो दलित समाज से नफरत, आज हमारे बीच में क्यों आए हो। जिस दिन आप ये कह दोगे, आपके अपमान का बदला चौधरी उदय भान के अपमान का बदला, दलित समाज के अपमान का बदला उसी दिन हो जाएगा जब आप कांग्रेस को वोट डाल दोगे, उनकी छुट्टी कर। ये तो एक रेख दो वाली, या जैसे मैंने एक आरोप लगाया था कि कुलदीप बिश्नोई आर्थिक अपराधी है, देश का अपराधी है, 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा जा चुका, जमानत पर है, विदेश भागना चाहता था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट नहीं दिया, बीबी और बेटे को विदेश में छोड़ दिया। जब ये जच्चा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, बाहर नहीं जाने देंगे, दोबारा हिंदुस्तान में नहीं आओगे, तब कांग्रेस के साथ बेईमाना करके, गद्दारी करके और आप लोगों का दिया हुआ वोट की ताकत बीजेपी के सुपुर्द कर, ईडी का डर था, या फिर तीसरी जो इसकी आदत है कुलदीप की, एक बड़ी भारी आदत, 2009 में जब मेरे से चुनाव जीत गया मर के, पारा पार निकल रहा था, मुश्किल से हाथ ला था, और वो भी मेरी किस्मत कमजोर बाय डिफॉल्ट कुछ हमारे मित्रों की वजह से, वरना जनता ने जयप्रकाश को चुनाव जीतवा। तो उसी वक्त 6 एमएलए बने थे ना, 6 वगैरह सौदा करने लायक गया, व्यापारी अच्छा है, पॉलिटिशियन नकम्मा है, मतलब अपने विधायकों का भी सौदा करने लग गया है। वो अंदर एक होटल का नाम है रेडिसन, वो कांग्रेस के नेताओं के साथ बातचीत करता रहा, और इसके 5 विधायकों ने क्या, प्रहलाद सिंह जी को पता है, क्यों प्रहलाद सिंह जी है ना पता, वो भीतर सौदा करता रहा था, इसके विधायक लेकर पार गए। और जब टीवी में खबर आ गई
कि हथका के 5 विधायकों ने कांग्रेस में विलय कर लिया, शाम को कहता मेरा हिसाब तो नहीं, हिसाब कौन देगा सड़क पार। ये व्यापारी है, ये राजनीतिक व्यक्ति नहीं। अरे मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं लोग, मैं राजनीतिक हूं, व्यापारी नहीं हूं। तो इसलिए कई फैसला कर दो, मैंने पॉलिटिशियन बना दो और उसके ना रहा तो वो इंग्लैंड रहने लग जाएंगे, मैं आदमपुर रहने लग जाऊंगा, धनवा काम ठीक चल जाएगा, सारा भी पेंडा छूट जाएगा और मेरा काम चल जाएगा। और जिस दिन आप जयप्रकाश को हरियाणा विधानसभा में भेजोगे, सब हरियाणा प्रदेश की जनता चाहती है कि गड़ी सड़ी लाचार सरकार जाए और कांग्रेस पार्टी की भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार आए। पहले तो ये बताए दो, तो हम इससे दुखी हो लिए कर लड़क रह रही है, माँ जी को रह रहे हो तो देख लो तल्या ना पूछ लियो, अगर सारे दांत लिए तो इनके पेंडा तारा भी छूट जाएगा और मेरा भी छूट जाएगा। देखो बिजली बोर्ड धक्का मारा करते ना, पहला पोल खींचा कर दे, एक धक्का और दो ऐसा ऐसा, क्योंकि सारे इकट्ठे होके एक धक्का मार दो, देखो कितने भले होंगे। कुलदीप बिश्नोई तो उन्हें रहना चाहता, लंदन रहना चाहो, इसकी तोड़े खींच जाएगा। हाँ मैं विधानसभा में जाना चाहूँ और जनता हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार लेना चाहती है। जैसे हमारे मंत्री जी ने कहा था कि भाजपा जा रही है, आज सब लोग बैठे दोपहर पासे को सूरज ना पानी दंदा देखा लोग को, ये तड़के देवे नहीं, वो तो डूबता हुआ सूरज है ये देवा जी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उगता हुआ सूरज। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को वोट देना, हमारे बहुत ही सीनियर शर्मा जी यहाँ इंचार्ज राधेश्याम जी, और ये राधेश्याम जी भी मेरे डर से न्यू है, कदे न्यून और कदे न्यून, इंडिपेंडेंट डीटीसी रहे, बहुत बड़े अफसर, भाई को निर्दलीय जितवाया, खुद निर्दलीय जीते, काबिली देखना, अपनी बीबी को जिला परिषद बना था जी, चेयरमैन जिला परिषद, अपने भाई की बहू को चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल। तो यानी के ये राजनीतिक परिवार है, लेकिन ये थोड़ा सा स्वाभिमानी है, और स्वाभिमानी व्यक्ति जो होता है वो हमेशा ही खुददारी की लड़ाई लड़ता है, और खुददारी की लड़ाई में कई बार नफा भी हो जाए, कई बार नुकसान भी, लेकिन आदमी खुददार हमेशा अच्छा होता है। और इस तरह का के भूखों के कुलदीप वर्गा गद्दार और खुददार में यही तक फर्क है। तो आपके इंचार्ज हैं, ये यहाँ काम कर रहे हैं, तो क्योंकि गिल्ला खेड़ा साहब कह रहे थे, बोला जेपी आज मैं फंस गया, हमने प्रोग्राम रख दिए, उधर से हमारे चौधरी उदय भान जी ने भी रख दिए, तो आज ये हमारे सब साथियों की टीम आप वैसे नहीं आ रही। मैं पतला इलेक्शन अड्डा को आया था कि मैं कल्ला आया था ना, जब तो हमने कल्ले की बाजी नेड़े ला दी थी, एक तो हमारे पंडित जी से लेकर के और हमारे सब साथी आए हुए हैं, सब आपसे प्रार्थना करने आए, जयप्रकाश के लिए नहीं आए, खुद के लिए नहीं आए, कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं आए, ये हरियाणा प्रदेश से लच्चर और लालायक और नकम्मी सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए आए। हाँ जोड़ा काट दोगे ना, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद, जोड़ा काट देंगे फिर आप पर।